अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। फिर से आ गई हूँ एक ज़बरदस्त सी होम रेमेडी के साथ। तो जो लोग चाय कॉफ़ी के बहुत शौकीन हैं और दिन में 3-4 कप तो आराम से पी लेते हैं, तो आपके दांत हो जाते हैं पीले, जो दिखने में अच्छे भी नहीं लगते हैं और बाज़ दफ़ा इसमें स्मेल भी आती है। तो आज की जो मेरी रेमेडी है बहुत ही ज़बरदस्त है और उन लोगों के लिए है जो अपने दांतों के वाइटनिंग का उन्हें टेंशन रहती है। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सिर्फ 2। जी, आपने सही सुना। अच्छा जी, तो वैसे तो आप देखें और भी कई तरह की वीडियोस लोगों ने बनाई हुई हैं जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ उस तरह की रेमेडीज़ लाऊं जो घर में आपके पास चीज़ें मौजूद हों, कि आपको मतलब बाहर जाना भी ना पड़े। तो मेरे चैनल को ज़रूर देखें और इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो अब मैं बताती हूँ आपको क्या चाहिए सिर्फ 2 चीज़ों में। सबसे पहले आपको चाहिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 चम्मच, यानी कि 1 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग सोडा। और मैंने यहाँ पे लिया है लेमन, छोटा सा आप पीस ले लें। इन 2 की ज़रूरत है और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, मैं ख़ुद भी करती हूँ क्योंकि मैं ख़ुद भी चाय की बहुत शौकीन हूँ और चाय पी के थोड़े से दांतों का कलर चेंज हो जाता है, जो अच्छा भी नहीं लगता। यानी आप अगर किसी से बात कर रहे हो यहाँ से तो थोड़ा सा ज़रा अजीब सा लगता है। तो अगर इंसान की शक्ल जितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो हंसे और उसके दांत पीले बाहर आ जाएं, तो लोगों को यही होता है कि ये इनके दांत तो बहुत ही अजीब से, लोग फिर आपकी पर्सनैलिटी जो है वो काफ़ी थोड़ी अजीब सी हो जाती है डाउन। तो बेस्ट यही है कि आप अपने चेहरे के साथ साथ अपने दांतों की भी हेल्थ का ख्याल रखें। जी, तो 1 टेबल स्पून जो है, मैंने आपने देखा था, मैंने बेकिंग सोडा का लिया है और यहाँ पर मैंने डाला है लेमन। लेमन आप डालने के इस तरह का पेस्ट बन जाए। आप देख सकते हैं दोनों ही एसिडिक हैं और इसमें एकदम से फोम क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है जी, तो जो ये बना है पेस्ट, आप इसको ब्रश की मदद से दांतों पे इसको आप ब्रशिंग करेंगे अंदर बाहर अच्छी तरह ऊपर नीचे, और इसको तकरीबन आप 1 मिनट तक अच्छी तरह ब्रश करें। अगर आप में से किसी के भी दांत सेंसिटिव हैं और एकदम आपको लगे कि सेंसिटिव दांत हैं या गम आपको फील हो रहे, तो फौरन आप फिर इसको वॉश कर लेगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि टूथपेस्ट के साथ ही इस जो मैंने बनाया है ये अमेजिंग सा एक ज़बरदस्त सी रेमेडी, इसको टूथपेस्ट के साथ ही आप इस्तेमाल करें। ठीक है जी, इस मिक्सचर को तो आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आप यकीन जाने विद इन 1 से 2 मिनट में आपके दांतों का जो कलर है, तकरीबन 80% तक साफ़ और सफ़ेद दांत आपको फील होंगे। वीक में ये ट्रीटमेंट आप सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम्स कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं। तो मेरी वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगी फिर आपसे अगली रेमेडी।